मैं दीपक टवानी, श्री पद्मावती इलेक्ट्रॉनिक और श्री प्रेम एंटरप्राइजेज अजमेर की तरफ से पूरे शहरवासियों को दीपावली व धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अनुज अग्रवाल, अजमेर तनिष शोरूम से। अजमेर के सभी शहरवासियों को मैं तनिष की ओर से दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये चाहता हूं कि आप सबका दिवाली बहुत अच्छे से बने। MB मोबाइल एसेसरीज एंड रिपेयरिंग की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सदगुरु ग्रुप की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मे गॉडेस लक्ष्मी फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। आई एम डॉक्टर नीरू पाठक, प्रिंसिपल DPS अजमेर तबीजी, एंड आई विश अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली टू ऑल द अजमेर। श्री कुबेरा कलेक्शन की तरफ से सभी अजमेर शहरवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अजमेर में उपभोक्ता की सर्किट बेंच की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन चल रहा है और जिसको लेकर अजमेर बाहर ने पत्राचार भी कलेक्टर और संभागीय आयुक्त को किए, पर लेकिन उनके कोई फर्क नहीं पड़ा। हाईकोर्ट जजों के द्वारा भी उनको मौखिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से बुलाकर भी कहा कि सर्किट बेंच के लिए कि आप जगह स्थान उपलब्ध करा दें, लेकिन उन्होंने कोई स्थान उपलब्ध नहीं कराई। उसका परिणाम ये रहा कि अजमेर की बार एसोसिएशन को ये कड़ा कदम उठाना पड़ा और रास्ता जाम करना पड़ा। जब रास्ता जाम किया गया तब अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने हमसे चर्चा की और चर्चा करके ये कहा कि आपको हम संभागीय आयुक्त से वार्ता के लिए परसों की तारीख दे रहे हैं, 12 बजे आपको वार्ता करके आपको ठोस कदम उठाने के लिए देंगे कि आपको स्थान उपलब्ध करा देंगे। क्योंकि अजमेर की पहचान स्टेट के नाम से, मेवाड़ा स्टेट के नाम से दी, और रेवेन्यू बोर्ड, कैरेज कारखाना और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये अजमेर की पहचान है। अगर यही सर्किट बेंच अजमेर में आती है तो अजमेर की एक और पहचान बढ़ेगी, स्मार्ट सिटी में और चार चांद तारे जुड़ेंगे। इसलिए ये इस मांग को लेकर हम आंदोलित है। अगर इसके बाद भी परसों अगर ये हमारा स्थायी समाधान नहीं होता तो अजमेर के व्यापारिक संघ और सब लोगों का सहयोग लेकर दिवाली के बाद अजमेर बंद किया जाएगा। ठीक है, आपका नाम? समीर काले, बार सचिव।